इस वीडियो का एक एक पॉइंट गौर से सुनिएगा, इसमें ये चीज डिस्कस करनी है अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई है या नहीं हुई, क्योंकि फ्यूचर में कोई पता नहीं है। तो ये वीडियो की एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के ऊपर एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, लेकिन उस आर्टिकल को देखने के बाद मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताना चाहता हूं कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन है, आउटस्टैंडिंग लोन ये होता है कि भाई जो पैसा किसी से उठाया हुआ है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उठाया हुआ है, बैंक से उठाया हुआ है, कहीं से भी उठाया हुआ है यूएई के अंदर, और आप अपने होम कंट्री चले गए हैं या भाग गए हैं, और अब आप दोबारा सोच रहे हैं कि मैं यूएई आ सकता हूं, इवन दो कि मेरा जो केस था वो आउटस्टैंडिंग था, मेरा पैसा देने वाला वहां पर रहता था। ऐसे केस के अंदर हम यूएई दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते? अब इसको मैं बड़ी क्लियरली चीजों को लॉ के हिसाब से डिफाइन करूंगा दो पॉइंट्स के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन अभी लाइक का बटन दबा दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं भाई। अगर आपने जंतर मंतर करके, अच्छा नहीं चलो जंतर मंतर नहीं किया, बहुत से लोगों को जॉब लॉस हुई ये कोरोना वायरस के टाइम के अंदर। ज्यादातर लोग जो है ना, मैं कहता हूँ 75% लोग जो यूएई में चल रहे होते हैं ना, ये ऑन लोन ही चल रहे होते हैं, ऑन ईएमआई भी चल रहे होते हैं। इन सब का जो लाइफस्टाइल आपको इंस्टाग्राम सारी चीजों पे नजर आ रहा होता है ना, सारा ईएमआई पे चल रहा होता है। अब जब कोरोना वायरस आया, लॉस की जॉब, अब देखें लॉस कर दी जॉब तो भाई बैंक ने तो पैसा लेना है। अब आप चले गए भाई घर, इमीडिएटली भाग जाओ तो भाग सकते हैं, निकल गए केस होने से पहले, क्योंकि केस जो होता है वो 3-4 महीने बाद, 5-6 इंस्टॉलमेंट ना दो, कॉलें आती हैं उसके बाद केस सबमिट होता है। अब आपने गुनाह तो कर दिया, अब घर तो चले गए, अब घर में भी कहाँ से कमाएं भाई मेरे, जिसको लग गया ना लट, जिसको लग जाए ना खून यूएई का, तो फिर घर जाके वो टिकता नहीं है, तो फिर वो वापस आता है। अब भाई मेरे, अच्छा अच्छा ये चीज़ बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात और शेयर करूं। मुझे एक भाई का मैसेज आया अभी, मेरे ख्याल से थोड़े देर अरसे पहले मेरी उनसे बात हुई थी, ये मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर की बात है पिछले साल। भाई ने मुझसे पूछा कि जॉब, मैंने जॉब का जो प्रोसीजर वीडियोस में बताता हूँ उन्होंने फॉलो किया, जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद भाई गायब हो गए, क्योंकि वही बात है ना, मतलब की दुनिया है, इन्फॉर्मेशन लेके गायब हो गए। अब मैंने उनका जो लास्ट मैसेज देखा था, मेरे ख्याल से दिसंबर में था, उनका मैसेज जब भी मुझे एकदम ब्लिंक हुआ, तो मुझे जब ब्लिंक होते हैं ना पुराने मैसेज, तो मैं पहले ड्रैग करके देखता हूँ पिछली स्टोरी क्या थी। तो पिछली स्टोरी यह थी कि भाई को मैंने जिस टाइम सारी चीज़ गाइड की, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनकी जॉब लग गई है, उन्होंने बंद किया और कहते हैं भाई चल छिक रख, और मैं काम पे लग गया। अब भाई ने काम किया जनवरी फरवरी मार्च, भाई को अच्छा जॉब भी मिली। अब उन्होंने गलती क्या की और फिर मेरे पास क्यों आए, ये पहले बात बताऊं, क्योंकि इसका कनेक्शन उसी लोन के साथ है। भाई ने जी दुनिया फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया 20,000 दिरहम का। अब जो ताजे ताजे शिकारी आए होते हैं ना, शिकारी वो फंसते कैसे हैं। अब उन्होंने लेके ना किसी भाई ने कहा कि भाई 20,000 तू एक काम कर, वहां से कैश उठा और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते, 20 का 40 बनाते हैं, बिटकॉइन मारेगा स्पाइक। अब भाई मेरे ने पैसा निकाला, और अभी आपने पीछे देखा होगा बिटकॉइन जो 50,000 से सीधा 38,000 पे आया था। भाई हम फाइनेंशियल मार्केट के साथ टच में रहते हैं, हमें पता होता है क्या चल रहा है। भाई का जितना पैसा था वो डिफरेंट कॉइन्स के अंदर था, वो सब डूब गया। ठीक है, रोते हुए मुझे मैसेज आया, भाई एक मुसीबत में फंस गया हूँ, आपकी हेल्प चाहिए। अब मेरे ऊपर ये दुनिया फाइनेंस वाले कॉल कर रहे हैं, और दुनिया फाइनेंस के ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, इनका थिएटर क्या होता है और ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, बात करें, नीचे कमेंट ही लाजमी कीजिएगा। अब भाई फंसे हुए हैं उस लोन के अंदर, अब भागना चाह रहे हैं यूएई से, कह रहे हैं कि भाई केस अभी नहीं किया तो मैं भाग जाऊं यहां से। दिसंबर में आए जॉब ली, और यहां पे अब मार्च अप्रैल मई से पहले भागना चाह रहे हैं। तो यार ये क्यों ऐसा करते हैं आप लोग, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। वेल छोड़ें इस बात को, कम टू द पॉइंट। अब आपने घर से वापस आना है, ठीक है, और यहां जंतर मंतर एक कर गए जिस तरह भाई ने किया था ना, अभी इनके साथ भी यही होना है। अब आपने क्या करना है, एक लॉयर हायर करना है। आप कहेंगे भाई पैसा नहीं है, पैसा भाई मेरे बूतनी के, जो पैसा वहां से उठाया था ना उसमें से कहीं ना कहीं तो डाला होगा ना, वहां से निकालो। 5,000-10,000 रुपया कोई लॉयर लेगा, उसको आपने देनी है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी ऑनलाइन सेंड हो जाती है, या आपका कोई भी कोलीग या फ्रेंड एंड फैमिली यहाँ पे है, उनसे रिक्वेस्ट करके एक वकील को हायर करें, लॉयर को हायर करें। ठीक है, ये जाके अबू सकारा में लॉयर ना पकड़िएगा, शारजा की बिल्डिंगों पे ना पकड़िएगा, वरना वो लटकाती रहेंगे। ठीक है, बिजनेस बे में आ जाएं, डेरा में आ जाएं, इन एरिया के अंदर से कोई अच्छा लॉयर पकड़िएगा, क्योंकि मैं आपको लॉयर के अंदर भी जाऊंगा ना तो मैं इन लॉयर्स की भी खोल के रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये करते हैं क्या। अच्छा लॉयर हायर करें, 10,000 या 8,000 दिरहम वो लेगा। ठीक है, वो आपकी बेसिस के ऊपर पावर अटॉर्नी लेके जाएगा,
इमिग्रेशन के अंदर। अब इमिग्रेशन के ऊपर जब भी कोई केस होता है तो आपके ऊपर बैन होता है। दो किस्म के केस हैं, सिविल केस, क्रिमिनल केस। इनके ऊपर मैं वीडियो के एंड में दोनों वीडियोस बनाई, आपको दिखा दूंगा डिटेल में। अब क्रिमिनल अगर आपके ऊपर केस है ना, तो आप अपने लॉयर से कहें कि भाई क्रिमिनल केस के ऊपर जो है ना आपको फाइन पड़ता है, फॉर द पर्टिकुलर अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट का फाइन होता है। तो अगर वो फाइन के ऊपर क्लेम करे और उसकी पेमेंट आपका लॉयर आपके बिहाफ पे करके आपका नाम इमिग्रेशन से निकाल दे, देन वेलकम टू दुबई, आप आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बात मेरी पॉइंट समझिएगा, इमिग्रेशन से आपका क्रिमिनल केस निकाल दिया जाए आफ्टर पेइंग द पर्टिकुलर फाइन, तो आप आ सकते हैं। अब दूसरे सिनेरियो में, और ये क्रिमिनल केस ज्यादातर बैंक्स के होते हैं, और सिविल केस वो होते हैं जो बड़े, रेंट के चेक, कोई किसी के साथ जंतर मंतर कर दिया, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, कोई बिटकॉइन लेके भाग गए, किसी की प्रॉपर्टी में कोई फ्रॉड कर दिया, 2 लाख दरम, 2.5 लाख दरम से जब ऊपर के फ्रॉड होते हैं ना, तो उनको लेके जाते हैं सिविल कैटेगरी के अंदर। अब सिविल कैटेगरी के अंदर जो बंदा केस करता है, मैंने आपको बताया है, वो 35 से 40 हजार दरम तक पे करता है। आप कह सकते हैं 35% ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट वैल्यू टू द कोर्ट कि आपके ऊपर केस खोला जाए। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आपसे पूरा पैसा रिकवर करना है। इस केस के ऊपर जब आपका लॉयर पावर ऑफ अटॉर्नी लेके जाएगा ना इमिग्रेशन के अंदर, तो वो चेक करेगा भाई केस किसने किया है। आपको तो पता होगा, सहने होंगे, पर आप सीधी तरह तो बताएंगे नहीं, पर लॉयर निकाल लेगा। अब वो लॉयर उससे रब्ता करेगा। अगर देखें आपके ऊपर जजमेंट आ चुकी है, ये मेरी बात, दोनों केसेस में जजमेंट आ गई है, एक जजमेंट आपने फाइन पे करना है, पे करें, क्लियर करें इमिग्रेशन से और आ जाएं। सिविल केस के ऊपर जब जजमेंट आ गई है ना, तो आपको इमीडिएटली बैन लगा के आपको अरेस्ट करने का वारंट आ जाता है। अब वो जो है ना, वो रिमूव नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जिसने केस किया है उसने 35% पे किया है अप्रोक्सीमेट टू द कोर्ट। अब कोर्ट ने सीधा आपको अंदर करना है। इस केस के अंदर अब बड़ी टेक्निकल चीज है, आप गौर से सुनिएगा। अब आपने करना क्या, आप कोशिश करें कि या तो उससे कह के जिस पार्टी ने केस किया है उनसे कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके केस विड्रॉल की बात करें, जो पॉसिबल नहीं है, और दूसरी कंडीशन फुल अमाउंट पे करें, उसकी कोई वो नहीं है। तो सिविल केस जो है ना, मोस्ट डेंजरस केस इन UAE, और जो मेरे सिविल केस से लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, पक्का अवीर जेल के अंदर तो पक्की हवा लगती है, या शारजा जेल के अंदर पक्की हवा लगती है, ठीक है, उसके बाद पक्की हवा लगा के डिबोर्ड कर दिया जाता है, लेकिन आफ्टर रिकवरिंग द अमाउंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर होगी होगी। तो लॉयर को हायर करें, केस की कंडीशन देखें, क्रिमिनल सिविल क्लियर करें इमिग्रेशन से, और आप आ जाएं। आई होप मेरी बात, वीडियो थोड़ी लंबी हुई होगी, लेकिन मैंने जिस सिनेरियो से आपको चीजें समझाई हैं आप समझ गए होंगे। अब मेरी एडवाइस क्या आपको, देखें यहां पे आ रहे हैं ना, मैंने भी आपको पीछे भाई की कहानी सुनाई है, ताजे आए हैं, 4, 5, 10, 6 महीने नहीं हुए दुबई के अंदर, क्रेडिट कार्ड हराम है, ये मेरी एक बात आज याद रखी है। अब भाई मेरे क्रेडिट कार्ड में फंसे, और क्रेडिट कार्ड जब आपके हाथ में लगता है ना, तब जितने आपके साथ के शिकारी होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। ओए, सैलरी आपकी 2500-3000 रुपये और क्रेडिट कार्ड जब आपको 20,000 दरम का मिल जाए, तो भाई दिमाग तो आउट होगा ना। फिर आपको लगेगा यार 20,000 का बिटकॉइन खरीद लो, बिटकॉइन ना खरीदो तो भाई कुछ और पे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ और नहीं तो जाके 20,000 का मसाज ही करा लो, बाद में देखा जाएगा। ये मेरे दुबई में रहने वाले लोगों का माइंडसेट है। तो भाई ऐसे कामों से गुरेज कीजिए, अगर क्रेडिट कार्ड मिल भी गया ना तो पास रख लें, ठीक है, यूज ना करें। ये क्रेडिट कार्ड की गेम के ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ये ऐसा दलदल है जो एक दफा जब अंदर कर जाए ना, तो भाई फिर पूरे छिड़कले तक अंदर ले जाता है, फिर बंदा डूबता ही है, इसे बाहर आने का रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे, रिक्वेस्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बोलें क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर और डिटेल चाहिए, दुनिया फाइनेंस के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं भाई इनके पूरे ऑफिस की डिटेल लाके सामने खड़ी कर दूंगा। और यस, एक और वीडियो जो बनती है, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, आपको लोगों को मुझे समझाना है, एजुकेट करना है, ये एक इत्तेहाद ब्यूरो रिपोर्ट क्या होती है, ये बहुत से लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो प्लान कर रहा हूँ विद पर्टिकुलर रिपोर्ट्स, जो कोई सामने लेके नहीं आता, मेरे पास ये रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इत्तेहाद ब्यूरो रिपोर्ट, जिससे वो कहते हैं ना FIA, जिससे कहते हैं ना कि बड़े लेवल के ऊपर CID, जिसे कहते हैं ना कि ट्रैकिंग करनी हो किसी की पूरे गल्फ रीजन के अंदर, तो कैसे की जाती है, बात करेंगे। मिलते हैं ब्लॉग में भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा आपके पते का होगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। Bye-bye.